महिलाओं के साथ है, बहुत ही सालों से, सेंचुरी से हमारे ऊपर जागती होते हुए आ रहा है। और अभी 21वीं सदी में हम हैं, हमें मौके मिल रहे हैं पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो जब ये सारे मजहबी वाले बातें आ जाती है, इनको हवा दी जाती है, तो लड़कियों के अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगे, लड़कियों की बढ़ोतरी रोक दिया जाएगा। तो मेरा दिल में बहुत अड़चन सा हुआ, मैंने कहा कुछ ना कुछ किसी ना किसी को बोलना है इसके ऊपर। और स्पेशली मैं इस सारे मामले में लड़कियों के माँ बाप से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, ये जो भी मजहबी बातों को लेके चल रही है वो चलने दें, लड़कियों को इतना स्ट्रांग बनाइए, इतना हिम्मत उनको दीजिए ताकि बाहर जाके वो ये सारे हालात फेस कर सके। और मेरा रिक्वेस्ट ये भी है, जो इन बातों को हवा दे रहे हैं, ये हिजाब की बात कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, स्पेशली जो शिक्षा के मंदिर है उनको शिक्षा तक सीमित रखिए, सियासत आप बाहर कर लीजिएगा, शिक्षा के मंदिरों को शिक्षा तक सीमित रखिएगा, बस इतना ही मेरा विनती है। हिजाब बिल्कुल नहीं होना चाहिए ना, मैं औरत हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, मैं जब चाहती हूँ तो मैं सिंदूर पहनती हूँ, नहीं चाहती हूँ तो मैं सिंदूर नहीं पहनती हूँ। जब किसी को हिजाब पहनना है पहनेंगे, नहीं पहनना है नहीं पहनेंगे, वो अपनी अपनी चॉइस की बात है, वो अपने घर में उनके चॉइस की बात है। लेकिन हमें एज अ सोसाइटी कोई भी हक नहीं बनता उनके अपने मामले में, पर्सनल मामले में दखल देने का, ये मैं मानती हूँ। अगर मुझे कल कोई आके बोलेगा आपका पहनाव ठीक नहीं, ये मत करिए वो मत करिए, मैं तो बोलूँगी प्लीज़ माइंड योर ओन बिजनेस। सो दैट शुड बी व्हाट द एटीट्यूड ऑफ द वुमेन शुड बी, दैट शुड हाउ अ सोसाइटी शुड बी। मेरा मानना ये है कि जितने सारे मजहब इस देश में हैं, इन सबको घुल मिल के एक एनरिचमेंट होना चाहिए सोसाइटी में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दूसरे के मजहब में जो फ्लैश पॉइंट्स है, गलत पॉइंट्स है, उनको उठा दिया जाए, लेकिन जो राइट पॉइंट्स है उनको हाईलाइट करे और आगे चलते जाए। एक दूसरे में अच्छाई देखोगे तो अच्छाई दिखेगा, बुराई देखोगे तो बुराई दिखेगा। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि ये जो यंगस्टर्स हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, उनके दिल खराब करने से आने वाली सारी पीढ़ियाँ खराब हो जाएंगी और हमारे देश के डेवलपमेंट में ये सबसे बड़ा अड़चन हो सकता है। तो मेरा रिक्वेस्ट इतना ही है, स्कूल्स और कॉलेज में ये ज़रा फैलाइएगा मत, जो है सियासत का है वो बाहर कर लीजिए, अच्छा है, लेकिन लड़कियों के डेवलपमेंट को रोकने वाली ये बातें, आने वाले पीढ़ियों को मन खराब करने वाली ये बातें नहीं होनी।